हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही छोटा सा ट्यूटोरियल होगा। ओके, इसमें हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कैरेक्टर सेट, एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है टोकन्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टर सेट्स। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लाइक एवरी अदर लैंग्वेज सी ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर सेट्स। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ अपने कैरेक्टर सेट्स हैं। और अगर मैं आपको इसको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैरेक्टर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स और सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। ओके, यही हमारा सेकेंड पॉइंट भी बता रहा है कि जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम डिफरेंट कैरेक्टर्स और सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। ओके, देन जैसा कि मैंने बताया आपको कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देर आर फोर कैरेक्टर सेट कैटेगरीज। और ये कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, वो अपर केस में भी हो सकते हैं और लोअर केस में हो सकते हैं। ओके, देन डिजिट्स 0 to 9। थर्ड वन इज़ वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस में लाइक सिंपल स्पेस, कैरिज रिटर्न। ओके, सो वो सब क्या है? वाइट स्पेस है। देन फोर्थ इज स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक कॉमा, परसेंटेज साइन। ओके, सो वो सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। सो राइट हैंड साइड में एक एग्जांपल है, उसमें आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं वो सब इन चारों कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, तो ये जो हमने जैसे फंक्शन का नाम दे रखा है एड नम्स, तो यहाँ पर ये जो एड नम्स है वो क्या है? वो बोथ इसमें लोअर केस में भी कैरेक्टर्स हैं और एक अपर केस का कैरेक्टर है। ओके, देन डिजिट्स, डिजिट्स भी हम यूज़ कर रहे हैं लाइक रिटर्न 0। ठीक है, n1 n2। वेरिएबल्स का नाम हमने यहाँ पर num1 num2, यहाँ पर ये जो 1 and 2 है वो क्या है? डिजिट्स हैं। वाइट स्पेसेस जो हम स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज सिंबल। ओके, कोमा, सो ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। सो कुल मिला के यहाँ पर कि हम जो भी प्रोग्राम में कैरेक्टर्स और सिंबल्स यूज़ करने वाले हैं वो इन चार कैटेगरीज में फॉल करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया क्या? कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टोकन्स। ओके, तो सी प्रोग्राम के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोकन। सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एज अ टोकन। नेक्स्ट इज़, तो एक कंपाइलर के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। ओके, तो जब भी कंपाइलर एक प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है तो वो क्या करेगा कि जो प्रोग्राम है उसको छोटी छोटी यूनिट्स उनमें डिवाइड करते हैं, और वो जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वही क्या है? टोकन्स हैं। और सी के अंदर इन टोकन्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट क्या है? कीवर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इंट, ब्रेक, इफ़। ठीक है, तो सी के अंदर टोटल 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स मतलब इनको हम एज अ वेरिएबल नेम या फिर फंक्शन नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पहले से ही फिक्स इनका मीनिंग है कंपाइलर के लिए। ओके, देन नेक्स्ट इज़ वेरिएबल्स। अगर हमें प्रोग्राम में डेटा स्टोर करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वेरिएबल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टेंट्स। सो अगर हमें प्रोग्राम में ऐसी फिक्स वैल्यू हमें सेट करनी है जो कि पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज ही ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट ऑपरेटर्स। सो मान लीजिए कि मैंने 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। ओके, डिक्लेयर किए हैं और उनमें मैं 2 डेटा वैल्यूज़ स्टोर करवा रहा हूँ। ओके, अब मैं उनको ऐड करना चाहता हूँ तो वो क्या हो गया? एक अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेशन हो गया। ओके, सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये सिम्बल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज स्पेशल कैरेक्टर्स। तो प्रोग्राम के अंदर हम जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो भी क्या है? टोकन्स हैं। एंड द लास्ट इज स्ट्रिंग। तो जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में आपको बताया था, जिसमें हमने हमारा जो फर्स्ट सी प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट किया था, उसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, तो वो जो हेलो वर्ल्ड था वो क्या था? स्ट्रिंग। ठीक है, सो राइट हैंड साइड में ये है हमारा एग्जाम्पल। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो इंट है,
रिटर्न है, ये सब क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। और वेरिएबल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, नम वन एंड नम टू। ओके, देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि एन वन प्लस एन टू, यानी कि एन वन के अंदर जो भी वैल्यू होगी और एन टू के अंदर जो वैल्यू होगी उनको यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्पेशल कैरेक्टर्स, परसेंटेज, ठीक है, कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, देन लास्ट जो है वो क्या है, स्ट्रिंग्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसमें हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर टू नंबर्स। सो ये क्या बन गया हमारा, स्ट्रिंग्स। और ये स्ट्रिंग कैसे, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ई एन टी ई आर स्पेस टी डब्ल्यू ओ। ओके, सो ये क्या है, एक आप बोल सकते हो एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है जिनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।